बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी में शामिल होने वाले श्याम रजक को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। श्याम रजक को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके पहले स्वीकार नहीं किया था। श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने का फैसला पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लिया है। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारिकी सिद्दीकी ने श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि श्याम रजक को पिछले दिनों जब आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उसी वक्त यह सवाल उठा था कि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आने के बाद श्याम रजक का कद नीचे हो गया है। पहले वो जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे और अब उन्हें आरजेडी के अंदर भी इसी पद पर तैनात किया गया है। हालांकि इस बार श्याम रजक ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वह लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। तेजस्वी यादव दो दिन पहले जब रुपेश कुमार सिंह के गांव उनके परिजनों से मुलाकात करने गए थे, उस वक्त भी श्याम रजक उनके साथ मौजूद थे।